इंदौर नायता मुंडला स्थित परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली स्मार्ट चिप कंपनी ने काम बंद कर दिया है। यहां कंपनी द्वारा प्रतिदिन करीब 1000 कार्ड प्रिंट किए जाते थे। यह काम पूरी तरह से बंद होने से आवेदकों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें प्रिंट किए हुए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिल पाएंगे। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र की पत्रकार कॉलोनी में रहने वाली महिला का पीछा करते हुए बदमाश मकान की पहली मंजिल पर स्थित उसके कमरे पर पहुंच गया और बैग मोबाइल छीनने का प्रयास किया। झुमझटकी के दौरान उसने महिला का गला दबा दिया। महिला ने शोर मचाया तो पड़ोसी आई। यह देख बदमाश पहली मंजिल से कूद गया जिससे उसके पैर में चोट लग गई। आज से शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। इंदौर सहित मालवा और मध्य प्रदेश में कई प्राचीन देवी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उज्जैन मेहर में विराजित शक्तिपीठ और नलखेड़ा की मां बगला मुखी सहित शहर में विराजित विजयासन माता के मंदिर में मां का आशीर्वाद पाने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बीजेपी के सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाने का काम भी किया जाएगा। पार्टी संगठन अभियान पूरा होने के बाद सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन करेगा। इस प्रोसेस में जो सदस्य संदिग्ध पाए जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। बीजेपी के सभी नगर अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और सदस्यता अभियान प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी का सदस्य बनाते वक्त पूरी सावधानी बरती जाए। इंदौर के भवरकुआ इलाके में होने वाला मूर्ति स्थापना और गरबा आयोजन बुधवार को निरस्त हो गया। इस संबंध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आयोजक पर लव जिहाद चलाने का आरोप लगाया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच की और आयोजन स्थल खाली करवा दिया। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में 5 अक्टूबर को एमपी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। पहला हेलीपैड सिंग्रामपुर, दूसरा 9 किलोमीटर दूर भैंसाघाट और तीसरा चबेरा में तैयार हो रहा है। बैठक की तैयारियों को लेकर सागर संभाग कमिश्नर और आईजी ने जायजा लिया। ग्वालियर में 6 अक्टूबर को होने जा रहे भारत बांग्लादेश टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए बुधवार को भारत व बांग्लादेश की टीम के सभी खिलाड़ी लगभग आ गए हैं। गुरुवार को इंडियन नेशनल टीम के कोच गौतम गंभीर और कोच खिलाड़ी शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती वॉशिंगटन आज आएंगे। प्रदेश भर में बारिश का दौर समाप्त होने को है। ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर से मॉनसून की वापसी शुरू हो गई है। गुरुवार को उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में भी मॉनसून की विदाई संभव है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रहा है। मिसरोद पुलिस ने छिंदवाड़ा के एक व्यापारी की शिकायत पर 2 जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 50,000 मेट्रिक टन गेहूं दिलाने का लालच देकर छिंदवाड़ा के व्यापारी से 40 लाख रुपयों की ठगी की। जालसाजों ने एडवांस के नाम रुपए लिए थे।